जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में और साप्ताहिक करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 से लेकर और 28 मार्च 2023 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। फ्रेंड्स, क्लास काफ़ी अच्छी है क्योंकि यहाँ पर सभी जितने भी क्वेश्चन मैंने मैंसन किए हुए हैं सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, और वो ऐसा इसलिए क्योंकि न केवल क्वेश्चन हैं बल्कि इनसे लगने वाले जो भी इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है साथ में हम लोग वो भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो क्लास काफ़ी सुंदर और अच्छी होने वाली है। फ्रेंड्स, चैनल पर यदि आपकी पहली विजिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहे। क्लास शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपको मैं बताते चलूँ कि यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर से टाइप की गई PPT नहीं है। मैं यहाँ पर आपको हाथ से ही लिख के पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये मेरी मेहनत आपको पसंद आएगी और आपको काफ़ी सपोर्टिव और हेल्पफुल भी लगेगी। ओवरऑल आप क्लास में लगातार कंसंट्रेशन बनाए रखें और क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो कैसी लगी इस बात का फीडबैक भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य मेंशन करना है। और बात रह गई क्वेश्चंस की, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस न केवल क्वेश्चंस हैं बल्कि इनसे जो लगने वाले एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको साथ में डिस्कस करूँगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आइए क्लास के फटाफट से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न WPL 2023 की चैंपियन टीम कौन बनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। ठीक है, याद रखिएगा इस मुंबई इंडियंस की कैप्टन हरमनप्रीत कौर थी और इन्हीं के नेतृत्व में दिल्ली कैपिटल को हराते हुए 7 विकेट से ये चैंपियन बनी थी इस बार मुंबई इंडियंस। जान लेते हैं महिला IPL के बारे में। तो देखिए, महिला IPL को वुमेन प्रीमियर लीग के नाम से जाना जाता है जिसको शॉर्ट में हम लोग WPL कहते हैं। ये 2023 में शुरू किया गया पहला संस्करण ही था, ठीक है, और इसमें कुल 5 टीमें भाग ले रही थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, और इसमें कुल 22 मैच खेले गए थे। शुरुआत इसकी 4 मार्च से हुई थी और 26 मार्च को इसका अंतिम मैच खेला गया था। ठीक है ना, जैसा अभी मैंने पहले आपको बताया कि मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराते हुए ये खिताब अपने नाम किया। कुछ और IPL से संबंधित हेडलाइंस जान लेते हैं, जैसे जो भी विजेता टीम है उसको 6 करोड़ रुपये और जो उपविजेता टीम है उसको 3 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। प्रायोजक की बात करें तो टाटा ग्रुप के द्वारा इसका प्रायोजन किया गया था, वहीं इसका जो प्रशासक था वो BCCI था। ठीक है, कुछ प्रमुख पुरस्कार और उसके प्राप्तकर्ताओं की बात कर लेते हैं। तो IPL में मुख्य रूप से 2 पुरस्कार काफ़ी जाने जाते हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले व्यक्ति को एक ऑरेंज कप दिया जाता है और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनको एक पर्पल कैप दिया जाता है। ठीक है, तो इस टूर्नामेंट सीरीज में जो ऑरेंज कप था वो दिया गया था मैग लेनिन को। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, कुल 9 पारी में 345 रन इन्होंने बनाए थे, इसके लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया। और जो पर्पल कैप है सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए दिया गया वो दिया गया हैली मैथ्यूज को, ये वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी हैं, कुल इनको 18 विकेट लेने के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, IPL जो महिलाओं का IPL WPL था, WPL इसका जो शुभंकर था वो था शक्ति। ठीक है, तो याद रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न केवल क्वेश्चन है बल्कि इसे लगने वाली एक तरह से पूरा IPL का जो सीरीज है वो हम लोगों ने रिकॉल कर लिया, रिवीजन कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको IPL का पूरा और विस्तृत पॉइंट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें रिकमेंड कीजिए, इस पर एक स्पेशल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के सीरीज में। ठीक है, लेकिन आपको एक बार मेंशन करना पड़ेगा, रिकमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ज़रूरत है, ये मुझे समझ में आएगा तभी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, अन्यथा मेरे हिसाब से तो लगभग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्कस कर ही लिया हम लोग और फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे हम लोग बाद में। फिलहाल अभी आगे चलते हैं। ठीक है, हाल ही में केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा MT वासुदेवन नायर को। साहित्य, कला, विज्ञान, खेल, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए ये पुरस्कार प्रतिवर्ष केरल सरकार द्वारा दिया जाता है और नाम है केरल ज्योति पुरस्कार। ठीक है, और इस बार किसे दिया गया? तो MT वासुदेवन नायर को, नाम याद रखिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात हो रही है राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण या सर्वोच्च सम्मान की, तो सबसे पहले आप आ जाइए असम की तरफ। नेक्स्ट पेज लेते हैं, आते हैं असम। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है असम वैभव पुरस्कार। ठीक है, असम वैभव पुरस्कार इस बार दिया गया किसे? तो तपन कुमार सैकिया को दिया जा रहा है, हालांकि पिछले वर्ष ये पुरस्कार रतन जी टाटा को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, इस बार रतन जी टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जा रहा है।
ठीक है। उसी तरह महाराष्ट्र की तरफ आते हैं तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से इस बार नवाजा गया है नारायण दत्त, दत्तात्रेय नारायण को, ठीक है। नाम उनका था दत्तात्रेय नारायण, ठीक है। और पिछला पुरस्कार जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार था वो दिया गया था किनको दिया गया था, अप्पा साहेब को दिया गया था, ठीक है। हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, अप्पा साहेब को। और इससे पिछला पुरस्कार जो दिया गया था पार्श्व गायिका आशा भोसले को दिया गया था, ठीक है। हालांकि आशा भोसले को एक और पुरस्कार इस बार दिया गया, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये दूसरा संस्करण का, क्योंकि पहला संस्करण पीएम मोदी के द्वारा जीता गया था। एक इसी तरह कर्नाटक से रिलेट कर लेते हैं, कर्नाटक रत्न पुरस्कार पुनीत राजकुमार को दिया गया है, ये मरणोपरांत इनको दिया गया। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी चर्चित अभिनेता थे ये, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन राज्यों से संबंधित थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मंत्रालय की ओर से हरियाणा से अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई है? तो आपको याद रखिएगा केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये जो पहल है उसकी शुरुआत की गई है। कहाँ से? तो हरियाणा में एक लोकल जगह है टिकली, वहीं से। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के सबसे बड़े मरुस्थल थार रेगिस्तान का जो प्रसार है इसी को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। कैसे रोका जाएगा? तो पौधारोपण के द्वारा रोका जाएगा, और इसकी लक्ष्य है 2030 तक रोकने की। यह योजना मुख्य रूप से चार राज्यों में इसका विस्तृतीकरण होगा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, ठीक है। देखिए इसको समझ लेते हैं। जो अरावली पर्वत श्रेणी है, ध्यान से इसको देखेंगे तो ये गुजरात से शुरू होकर और दिल्ली तक जाती है, ठीक है। जो दिल्ली में रायसीना हिल्स है ना, वो अरावली पर्वत श्रेणी की ही मतलब एक तरह से भाग कह सकते हैं उसका, जहाँ पर रायसीना हिल्स स्थित है। बीच में दो और राज्य पड़ते हैं, राजस्थान और हरियाणा, ठीक है। तो इसी को रोकने के लिए ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। अच्छा, ये शुरुआत क्यों की गई? तो देखिए 2007 में जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, इसी के प्रसार को रोकने के लिए एक ग्रेट ग्रेट वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। तो इसी की कॉपी करते हुए भारत सरकार के द्वारा इस थार मरुस्थल को रोकने के लिए मुख्य रूप से इसकी शुरुआत की गई है। याद रखिएगा पौधारोपण के द्वारा इसको रोका जाएगा और 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। अब इस क्वेश्चन में बात हो रही है हरियाणा की, जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। चर्चित खबरों की बात करें हरियाणा से संबंधित, तो बस एक पॉइंट आप याद रखिए, मनरेगा के तहत दी जाने वाली दैनिक मजदूरी के मामले में सबसे ज़्यादा मजदूरी देने वाला राज्य ये हरियाणा ही बन गया है। हालांकि बावजूद इसके सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर भी यहीं देखने के लिए मिली है। वहीं इस मामले में सबसे कम जो दैनिक मजदूरी है वो छत्तीसगढ़ दे रहा है, लेकिन वहाँ पर बेरोजगारी दर बिल्कुल कम है। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसी से संबंधित, जो मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो राज्य है वो राजस्थान बन गया है, तो इस बात को याद रखिए। अगला क्वेश्चन, इस मंत्रालय की ओर से ये क्वेश्चन तो शायद हो गए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, हाल ही में यूएन द्वारा जारी विश्व जल रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित व साफ पेयजल उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हमें लग रहा है कि क्वेश्चन कुछ स्किप हो रहे हैं क्या, स्लाइड मैंने एक बार चेक कर लेता हूँ जी, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक मिस्टेक और है कि ये जो है ना, ये क्वेश्चन हमें लग रहा है वहाँ दो बार हो गया, तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है, वहीं पर डिस्कस कर लेंगे, आगे चलते हैं। हाल ही में एनजीटी ने वेम्बनाड झील प्रदूषण सुरक्षा में विफल केरल सरकार पर कितने करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? तो याद रखिएगा, कुल 10 करोड़ रुपये का जुर्माना केरल सरकार पर लगाया गया है, किसके द्वारा? एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इसमें कई टेक्निकल टर्म है, इनको समझ लेते हैं। एक तो समझ लेते हैं लैगून झील किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा, रामसर स्थल किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जो वेम्बनाड झील है ये एक लैगून झील है, 2022 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया था। सबसे पहले रामसर स्थल के बारे में ही समझ लेते हैं। तो आइए देखिए, वर्ष 1971 में ईरान में एक जगह है रामसर, ठीक है, यहीं पर एक कन्वेंशन आयोजित की गई थी। तब से जो आर्द्र भूमियाँ हैं भारत के अलग अलग देशों के द्वारा अपने अपने राष्ट्र स्तर पर इसके संरक्षण के लिए काफ़ी कदम मतलब उठाए जा रहे हैं। ये आर्द्र भूमि जो है ये इसे मतलब जैसे पर्यावरण के काफ़ी अनुकूल माना जाता है। ये कह
कैसे होते हैं तो न ये तो स्थल के जैसे कठोर होते हैं, न ही जल की तरह गीले होते हैं। अर्थात स्थल एवं जल के मध्य का जो क्षेत्र होता है, दलदला क्षेत्र जिसे बोलते हैं, वो पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी अनुकूल माने जाते हैं। तो इसी के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से ये रामसर स्थल पूरी कन्वेंशन संबंधित थी, और दुनिया के तब से अलग अलग देशों के द्वारा अपने अपने स्तर पर इसके संरक्षण के लिए रामसर साइट्स घोषित किए जाते हैं। इस मामले में भारत में कुल अब तक 75 रामसर साइट्स घोषित किए जा चुके हैं। तो इसी क्वेश्चन से संबंधित ये रामसर स्थल था। तो उसी प्रकार 2022 में जो ये वेम्बनाड में लैगून झील है, वेम्बनाड झील जो केरल में है, इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। अब लैगून झील किसे कहते हैं, इस बात को समझते हैं। देखिए, लैगून झील का दूसरा नाम अनूप झील है, लेकिन केरल क्षेत्र में इसको एक और नाम से जाना जाता है, कयाल। ठीक है, देखिए लैगून झील का निर्माण किस तरह होता है। इसका निर्माण प्रायः जो समुद्र का किनारा जो होता है उधर ही उसी क्षेत्रों में होता है। झील से हमारा तात्पर्य है जल की स्थिरता से। जब कोई भी जल स्थिर हो जाता है तो उसी को झील कहते हैं। अब देखिए, जो समुद्र का पानी है ना, कटान के दौरान स्थलखंड में प्रवेश करता है, और जो कटान के फलस्वरूप जो मलबे होते हैं इसी से अपने मार्ग को अवरुद्ध कर लेता है। ठीक है, और जो समुद्र का जो जल स्थल में घुस गया था वो वापस समुद्र से कनेक्ट नहीं हो पाता, और वो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से ही समुद्र से अलग हो जाता है। बस यहीं पर एक झील का निर्माण होता है, और इस तरह से निर्मित झील को ही लैगून झील बोला जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लैगून झील वाला टर्म समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये लैगून झील वेम्बनाड जगह है केरल में, तो इसके संरक्षण के लिए केरल सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और इसी अपनी जिम्मेदारी को सही से न निभाने की वजह से NGT के द्वारा ये जुर्माना लगाया गया है। तो 10 करोड़ रुपये, याद रखिएगा। क्वेश्चन सीधे आपसे पूछ सकता है कि केरल सरकार पर NGT के द्वारा कितने करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था, तो 10 करोड़ रुपये का। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब केरल से संबंधित एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। जैसे केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं, एस मणिकुमार केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब केरल की हालिया चर्चों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, केरल में अभी जल्द ही जल बजट की घोषणा की गई थी, और भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना भी केरल से ही शुरू की गई थी। ठीक है, और रोबोट द्वारा सीवेज सफाई करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। खुद का इंटरनेट ये केरल ने शुरू किया था। और एक बात, जो केरल का हाई कोर्ट है ना, वो अपने डिसीजंस यानी अपने फैसलों और निर्णयों को अपनी क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बन गया है। ठीक है, तो याद रखें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ब्रिटिश कंपनी वन वेब के कितने सैटेलाइट्स को एक साथ इसरो ने लॉन्च किया है? तो याद रखिए, कुल 36 सैटेलाइट्स थे, और जो रॉकेट इसमें प्रयोग किया गया था LVM-3। ठीक है ना, और इसकी लॉन्चिंग हुई थी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, इस क्वेश्चन में बात हो रही है इसरो की, तो बात कर लेते हैं इसरो की। इसरो यानी इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, और बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, और एस सोमनाथ इसके नवें अध्यक्ष जल्दी चुने गए हैं KC1 के स्थान पर। ठीक है, याद रखिएगा, एक निसार मिशन है, ये एक तरह से पृथ्वी अवलोकन मिशन है नासा और इसरो का। ठीक है, इसको जल्द ही छोड़े जाने की मतलब व्यवस्थाएं तेज हो गई हैं। ये एक तरह का पृथ्वी अवलोकन मिशन है निसार, नासा और इसरो का यह संयुक्त मिशन है निसार, तो याद रखें आप। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने वहाँ पर दो बार गलती से मेंशन कर दिया था, वहाँ छोड़ दिए थे, अब यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में UN द्वारा जारी विश्व जल रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित व साफ पेयजल उपलब्ध नहीं है? तो याद रखिएगा, 26%। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 2050 तक ये 26% का जो आंकड़ा है वो 50% के पास तक पहुँचने की संभावना है, और ख़ास बात यह है कि भारत में सर्वाधिक जल संकट देखने के लिए मिल सकता है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कैसे, तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि विश्व में जो जल दिवस मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है, तो याद रखें, और क्या कह सकते हैं इसमें, UN के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, UN की स्थापना 1945 में हुई थी, और ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए हमें ध्यान भी रखना है, सारे क्वेश्चंस डिस्कस भी करने हैं। ठीक है, चलिए, तो
हाँ ठीक है। कुरु नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हाल ही में एक मादा चीते की मौत हो गई है, उसका नाम क्या है? तो नाम याद रखिएगा, उसका नाम है सासा, ठीक है। और किडनी से संबंधित इसको कुछ बीमारी हो गई थी, उसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। 8 चीतों में से एक यह थी, ठीक है ना। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को पूरा हम लोग टैकल करते हैं। आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में की गई थी, और इसी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत में लुप्त हो चुके लगभग चीतों की प्रजाति के लिए भारत सरकार दूसरे देशों से या दूसरे महाद्वीप से चीते मंगाकर भारत के कुरु नेशनल पार्क में स्थापित कर रही है, रिलीज कर रही है, ताकि इनको पुनर्जीवित किया जा सके। इसी क्रम में आपने देखा था कि नामीबिया एक जगह है, साउथ अफ्रीका में एक कंट्री है, यहीं से पिछले साल 8 चीते लाए गए थे और कुरु नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़े गए थे पीएम मोदी के द्वारा, ठीक है। और इस वर्ष साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए, ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इन्हीं जो 8 चीते छोड़े गए थे, उसी में से एक मादा चीते की मौत हो गई है किडनी की बीमारी के कारण, उसका नाम था साशा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में टिपिकली आ सकता है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। कुछ और बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर बेसिक तौर पर कारण बताया जा रहा है कि जो कुनो नेशनल पार्क है वो काफ़ी छोटा है इन चीतों को रहने के लिए, तो यहाँ से निकालकर भारत के दूसरे बाघ अभयारण्य में भी ले जाने की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि ये जो चीता थी सासा, इसकी मौत के बाद एक और चीते की मौत हो गई है। तो जो NTCA है ना, NTCA, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एसोसिएशन या अथॉरिटी, तो इसके द्वारा काफ़ी चिंता की बात हो रही है, ठीक है। एक टास्क फोर्स भी गठित की गई थी इन्हीं की देखरेख के लिए भारत सरकार के द्वारा, तो इन बातों को याद रखिएगा। अब बाघ गणना रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि 2023 में ही इसको जल्द ही रिलीज किया गया था, 2023 के अप्रैल के महीने में, ठीक है। ये 1 साल पीछे की रिपोर्ट होती है, यानी 2022 की, 2022 तक की रिपोर्ट होती है, लेकिन रिलीज की जाती है जो 2023 में। इसी तरह 2018 की रिपोर्ट थी जो 2019 में जारी की गई थी, ठीक है। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को हम बाघ दिवस मनाते हैं, और 2018 में जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें बाघों की टोटल संख्या थी 2967, ठीक है ना। लेकिन 2023 में जो रिपोर्ट आई है उसमें 200 बाघों की वृद्धि करते हुए और 3167 बाघों की संख्या हो गई है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में कॉल बिफोर यू डिग मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, पीएम मोदी के द्वारा। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समझने की बात नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि जब भी खुदाई का कार्यक्रम कभी भी चलता है तो आप देख रहे हैं कि भारत सरकार बड़े स्तर पर कनेक्टिविटी को लेकर के काफ़ी सारे महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। तो इस दौरान जब खुदाई की जाती है तो पाइपलाइन अथवा जो कनेक्टिंग केबल्स होते हैं, खुदाई के दौरान उनमें नुकसान हो जाता है। इसी नुकसान को बचने के लिए या इसी नुकसान से बचने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये कॉल बिफोर यू डिग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि खोदने से पहले आप कॉल करें, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये जो घटनाएं न चाहते हुए घटित हो जाती थी उनसे सुरक्षा मिलेगी, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी देखने के लिए मिला है? तो याद रखिएगा, शुक्र ग्रह पर देखने के लिए मिला था। वर्ष 2020 में संकेत मिले थे, लेकिन अब इसकी पुख्ता पुष्टि कर दी गई है, ठीक है। शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं, तो वास्तव में ये एक ग्रह है, यानी हाँ ग्रह है, लेकिन इसको कई बार तारा उपनाम से भी जाना जाता है, जैसे भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे गर्म तारा यही है, सबसे सुस्त ग्रह के नाम से इसको जाना जाता है भारत सौरमंडल में, ठीक है ना। और बनावट और आकार की दृष्टि से ये काफ़ी पृथ्वी के समान ही है, इसीलिए इसको पृथ्वी की भगनी या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इसरो द्वारा एक ऑपरेशन वीनस भी लॉन्च किया जाएगा जो शुक्र के लिए ही होगा, ठीक है। तो इसकी चर्चाएं तेज हो गई है, कब तक छोड़ा जाता है ये देखने वाली बात है फिलहाल। अच्छा, शुक्र के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसकी जो परिक्रमण गति है ना वो अन्य ग्रहों की तुलना में उल्टी है। देखिए, इस क्वेश्चन में इसको अच्छे से समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो 8 ग्रहों में जो दूसरे नंबर का शुक्र ग्रह है और अंतिम से दूसरा, यानी शुरुआत से दूसरा और लास्ट से दूसरा, जो दो ग्रह है ना वो अन्य ग्रहों की तुलना में उल्टी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है, लेकिन इसके ठीक विपरीत जो शुक्र ग्रह है ये पूरब से पश्चिम की तरफ गति करते हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। वैसे बहुत सारे डिस्कस हो गए इस पे, अब आगे चलते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
बहुत लंबे समय के बाद भारत ने इसमें लंबे पायदान की छलांग लगाई है और 126वां स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष देश की बात करें तो फिनलैंड इसमें शीर्ष देश है। भारत के कुछ पड़ोसी देशों की रैंकिंग्स भी देख लेते हैं यहाँ पर। इसमें जो नेपाल है, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जिसकी इसमें रैंकिंग है 78, और बांग्लादेश की 102वीं है और पाकिस्तान 108वीं। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात है कि भारत भी इस मामले में पाकिस्तान से भी पीछे है, ठीक है ना। सबसे निचला स्थान है अफगानिस्तान का, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रैंकिंग की बात हो रही है, तो बस दो बात आप याद रखिए। अभी जल्द ही पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था। इस मामले में आप मुख्य रूप से दो बातें याद रखें, जैसे पासपोर्ट इंडेक्स में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इसमें शीर्ष देश की बात करें तो जापान और सिंगापुर इसमें शीर्ष देश रहे थे। भारत की स्थिति की बात करें तो इसमें 85वां स्थान भारत का रहा था। वहीं अल्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इसमें शीर्ष देश UAE रहा था। भारत का स्थान 144 यानी 144वां रहा था। पासपोर्ट इंडेक्स की बात मैंने इसलिए बता दी क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस बार बार यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो ये आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी इस टॉपिक यानी इंडेक्स एंड रैंकिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे वर्ल्ड पीस इंडेक्स हो गया, ठीक है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स हो गया, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये सभी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हो सकती हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप इनके साथ ही इनको भी जरूर रिकॉल करें, ठीक है। फिलहाल आगे चलते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस नाटो सदस्य देश द्वारा पहली बार यूक्रेन को लड़ाकू विमान MiG-29 दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलैंड के द्वारा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो ये बात बताई जा रही है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। इस क्वेश्चन से मुख्य रूप से तीन की पॉइंट सामने आते हैं, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यूक्रेन के बारे में, दूसरा पोलैंड के, और सबसे खास इसमें है नाटो के बारे में जान लेंगे, ठीक है। आइए जानते हैं। तो देखिए नाटो के बारे में बात करें तो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है और जेम्स स्टोल्टेनबर्ग इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में कुल इसमें 30 सदस्य मौजूद हैं और 31वें सदस्य के रूप में फिनलैंड इसमें सदस्यता लेने जा रहा है, ठीक है। अब इसी नाटो के द्वारा जो रूस यूक्रेन वर्ल्ड वार चल रहा था उसमें नाटो की कितनी भागीदारी थी, यानी झगड़ा का मुख्य कारण नाटो ही एक तरह से था कह सकते हैं, तो इस बात को आप जानते ही हैं। यूक्रेन के बारे में जानें तो यूक्रेन से मुख्य रूप से एक चीज़ आप याद रखें, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ना व्लादिमीर जेलेंसकी, इनको जो ये पोलैंड है इसी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, ईगल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंसकी इसको, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। पोलैंड के बारे में कहें तो जो पोलैंड के बारे में क्या बोल सकते हैं, जो वर्तमान में इस बार जो मिस वर्ल्ड चैंपियन है ना कैरोलिना विलावस्का, ठीक है, ये पोलैंड से ही बिलोंग करती है, तो यहाँ से याद रखिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WHO द्वारा किस भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है या नवाजा गया है? तो सही उत्तर याद रखिएगा बेंगलुरु के द्वारा, ठीक है, या बेंगलुरु को सम्मानित किया गया है किसके द्वारा, WHO के द्वारा। शहर में तंबाकू नियंत्रण के लिए जो है सफल प्रयास बंगलुरु के द्वारा किया गया था और इसी को अप्रिशिएट करने के लिए WHO के द्वारा ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो जान लेते हैं बंगलुरु के बारे में और WHO के बारे में, ठीक है, आइए जानते हैं बंगलुरु के बारे में। बंगलुरु ये कर्नाटक की राजधानी है जिसे गार्डन सिटी एंड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। इसी बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई है, ठीक है, और मेथेनॉल से संचालित बसों का पहला पायलट प्रोजेक्ट इसी बेंगलुरु से ही शुरू किया जा रहा है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अच्छा, जो बेंगलुरु है इसमें भारत का पहला AC युक्त टर्मिनल की भी स्थापना की गई है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता चुकी है, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है, तो याद रखें। और बेंगलुरु से संबंधित एक बात और आप याद रखें, जो भारत आप जानते हैं कि इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो इसी मामले में जो वित्त मंत्रियों की और बैंकर्स की बैठक हुई थी तो ये बैठक बेंगलुरु में ही आयोजित की गई थी, ठीक है, और बिम्स्टेक एनर्जी की गवर्निंग बोर्ड की जो पहली बैठक थी इसका आयोजन भी बेंगलुरु में ही किया गया था। अच्छा, जो G20 में जो Business 20 की जो बैठक हुई थी उसमें जो भारत का नेतृत्व किया था वो निर्मला सीतारमण जी थी, ये वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, और बैंकर्स के रूप में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा इसमें
मुख्य रूप से पार्टिसिपेट किया गया था भारत के प्रतिनिधित्व के तौर पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आपको मैंने WHO के बारे में भी बताने के लिए बोला था, जान लेते हैं WHO के बारे में, आइए। ठीक है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 1948 में 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। ठीक है, वर्तमान में ट्रेडोस एदानोम इसके अध्यक्ष हैं। अब WHO द्वारा दो क्वेश्चन चर्चे में थे जिसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, WHO के द्वारा एक जो है ना, गुजरात के गुजरात के किसी शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये रखिएगा, बहुत क्लियर मैं इसको रिफ़र नहीं कर पा रहा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, बताना ज़रूरी भी नहीं है लेकिन आप याद रखें क्योंकि करंट की बात करंट में ही पढ़ने में ठीक रहता है, बहुत पुराना मैटर क्लियर नहीं किया जाता। और दूसरा पॉइंट ये था कि जल्द ही WHO के द्वारा तजाकिस्तान और अजरबैजान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खबरों में रहा PM मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखिएगा कपड़ा उद्योग से संबंधित है। प्रधानमंत्री जो मित्र ये योजना है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर विशेष रूप से मेंशन कर दिया है क्योंकि फुल फॉर्म परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। देखिए, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, यही इसका फुल फॉर्म है, एक बार और आप इसको देख लें, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, तो याद रखें। देश के चुनिंदा शहरों में इसकी शुरुआत की जा रही है, फिलहाल केवल 7 राज्यों के 7 शहरों में इसकी शुरुआत की जाएगी। उद्देश्य क्या है, तो उद्योग में ट्रेनिंग, रिसर्च व इनोवेशन को विस्तार देना, यानी कपड़ा उद्योग में कैसे हम चरम पर पहुंच सकते हैं, इस बात का जो रोड मैप है वो ये योजना खींचेगी। ठीक है, अच्छा, इससे संबंधित एक मित्र पार्क की बात भी हमने आपको बताई थी, तो वो भी इसी कपड़ा उद्योग से ही संबंधित है। अब इसमें याद रखिएगा, वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है ना, हालांकि पीयूष गोयल के पास वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भी है, तो इस बात को भी याद रखें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ISSF द्वारा निशानेबाजी विश्व कप 2023 की शुरुआत कहाँ की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल, मध्य प्रदेश में। आप इस बात को याद रखें क्योंकि इस वीडियो में, मतलब ये वीडियो अपने टाइम से लेट आ रही है, तो इस वीडियो में मेजबानी की बात मतलब पूछी जा रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये चैंपियनशिप संपन्न हो चुकी है। ठीक है ना, अब देखिए, आइए बात कर लेते हैं इस चैंपियनशिप में कुछ प्रमुख हेडलाइंस की। तो देखिए, मेजबान भारत था इसमें और इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था, जान लिया आप। पदक तालिका की बात करें तो नंबर वन पर चीन था, ठीक है, कुल 12 पदक के साथ, जिसमें 8 स्वर्ण पदक थे, 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदकों के साथ। मेजबान भारत की बात करें तो दूसरा स्थान था कुल 7 पदकों के साथ भारत, जिसमें 1 रजत, 1 स्वर्ण और 5 कांस्य पदक थे। ठीक है, भारत की तरफ से एकमात्र गोल्ड मेडलिस्ट थे सरबजोत सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब ठीक है, अब इसमें ISSF की बात कर लेते हैं। ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1907 में हुई थी, मुख्यालय म्यूनिक जर्मनी में स्थित है और इसके अध्यक्ष वर्तमान में लुसियानो रॉसी हैं, तो याद रखें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रायबरेली उत्तर प्रदेश में एक हॉकी स्टेडियम का नामकरण किस खिलाड़ी के नाम पर किया गया है, तो नाम याद रखिएगा रानी रामपाल। ठीक है, हॉकी के खेल में यानी महिला हॉकी के खेल में भारत की तरफ से बहुत ही प्रसिद्ध चेहरा है और हरियाणा से ये आती हैं, इन्हीं के नाम पर रायबरेली जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, इसी में रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ जो है ना, इसका नामकरण इन्हीं के नाम पर किया गया है। ठीक है, ये जो रानी रामपाल हैं, इनको भारत में जो खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नया नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, ये इस पुरस्कार की मतलब विजेता या इनको भी इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर किसी के नाम पर मतलब कोई नामकरण की बात हो रही है, तो खेल से ही संबंधित आप याद रखें नाम, जो पुणे है ना, ठीक है, इसी पुणे में एक सेना खेल विश्वविद्यालय का नाम भारत के गोल्डन बॉय कहे जाने वाले नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। ये गोल्डन बॉय इसलिए कहे जा रहे थे क्योंकि ओलंपिक 2020 में जो टोक्यो में आयोजित किया गया था 2021 में, ठीक है, देखिए संस्करण जो हिसाब से देखें तो 2020 की इवेंट थी लेकिन आयोजित की गई थी 2021 में, रीजन था कोरोना,
ठीक है। तो इसी टोक्यो ओलंपिक में जो है भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडलिस्ट थे कौन, तो नीरज चोपड़ा। इन्हीं के नाम पर पुणे में सेना खेल विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। एक और नामकरण की बात करें, हालांकि ये स्पोर्ट्स से तो संबंधित नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में एक मिलिट्री गैरिसन का नाम भारत के पहले CDS बिपिन रावत के नाम पर भी रखा गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हॉकी, किसी हॉकी की बात हो रही है तो हॉकी से संबंधित आप एक चीज़ और रिलेट कर सकते हैं कि जल्द ही भारत की मेजबानी में हॉकी जो पुरुष विश्व कप था उसका आयोजन किया गया था, चैंपियंस टीम इसमें रही थी अर्जेंटीना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चर्चे में रही दयालु योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, देखिए राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी यदि मृत्यु हो जाती है या किसी बड़ी दुर्घटना के कारण अस्थायी विकलांगता देखने के लिए मिलती है, तो इस योजना दयालु योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रोवाइड करने के लिए इस योजना को शुरुआत किया गया है। नाम क्या है दयालु योजना, शुरू किसने किया? हरियाणा सरकार ने। ठीक है, आइए जान लेते हैं हरियाणा सरकार के बारे में। तो हरियाणा के बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, यहाँ पर CM है मनोहर लाल खट्टर और जो राज्यपाल हैं यानी गवर्नर हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है, हरियाणा में सुल्तानपुर और कालेसर नेशनल पार्क है। ठीक है, और सांग लूर और मंजीरा यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, जो ये कालेसर नेशनल पार्क है इससे एक करंट फैक्ट बता देता हूँ, यहाँ पर एक लंबे अरसे के बाद बाघ देखने के लिए मिला है, लगभग 110 वर्षों के बाद पहली बार यहाँ पर बाघ देखा गया है। ठीक है, आप याद रखिएगा IUCN के द्वारा भारत में बाघ को लुप्त प्राय मतलब घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अब दूसरे महाद्वीपों से भारत में बाघ लाकर बसाए जा रहे हैं, तो ये बात भी आप जानते ही हैं। ठीक है, यहाँ पर जो रिफरेंस है वो दूसरे क्वेश्चन का है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, हरियाणा के बारे में एक चर्चा की बात बता दूं, अभी जल्द ही मनरेगा के तहत जो दैनिक मजदूरी दी जा रही है वो बात लेकर चर्चे में थी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मजदूरी देने वाला जो राज्य है वो हरियाणा ही है। ठीक है ना, लेकिन देखिए कितने इत्तेफाक की बात है कि सबसे ज़्यादा मजदूरी देने वाला दैनिक स्तर पर हरियाणा है, वहीं सबसे कम मजदूरी उपलब्ध कराने वाला जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है। लेकिन मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की बात करें तो इस मामले में हरियाणा टॉप पर है और सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो देखिए सोचने वाली बात है। अच्छा, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो राज्य है वो राजस्थान है, तो याद रखिएगा। मनरेगा योजना की बात करें तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, 2009 में इसका नया नामकरण बनाया गया था। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है इस योजना के तहत। ठीक है, आगे, प्रसिद्ध फुटबॉल टूर्नामेंट सैफ चैंपियनशिप 2023 का मेजबान कौन सा भारतीय शहर होगा? तो याद रखिएगा बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी है, यही इसकी मेजबानी 2023 में करने जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा बेंगलुरु के बारे में हम लोग ऑलरेडी ही बात कर चुके हैं, तो फिलहाल आगे चलते हैं। ये सैफ का मतलब क्या होता है? सैफ यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है और कुल सदस्य देश वर्तमान में इसमें 6 हैं। कौन कौन से देश हैं? तो सभी के सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। कैसे याद करेंगे? तो देखिए 3 देश तो ऐसे हैं जो या तो भारत हैं या भारत से ही अलग होकर के बने हैं, एक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और इसके अलावा 3 देशों को कैसे याद करेंगे? तो भारत के नीचे श्रीलंका है, उसके नीचे थोड़ा सा मालदीव है और नेपाल जो भारत के कंधे पर बैठा हुआ है। तो इस तरह कुल 6 सदस्य वर्तमान में इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर फुटबॉल की बात हो रही है ना, तो आइए फुटबॉल से संबंधित कुछ बात हम बता देते हैं। सबसे पहले रेगुलेटिंग एजेंसियों की बात कर लेते हैं। तो भारत स्तर पर यानी इंडिया लेवल पर यदि देखें तो AIFF जिम्मेदार संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना 1937 में हुई थी, मुख्यालय द्वारका दिल्ली में स्थित है और जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो कल्याण चौबे हैं। ठीक है, तो भारत स्तर पर यही रेगुलेटिंग एजेंसी है। वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो फीफा के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, अब जल्द ही आप जानते हैं कि जो 22वां संस्करण था फीफा का वो कतर में आयोजित किया गया था। चैंपियंस टीम की बात करें तो लियोनल मेसी की कैप्टन यानी कप्तानी वाली टीम अर्जेंटीना की थी और इसी को इसमें जीत यानी विजेता बनी थी। ठीक है, और यही कारण है कि इस बार की जो
फीफा रैंकिंग जारी की गई है, इसमें टॉप पर एक बार फिर से अर्जेंटीना पहुंच गई है। ठीक है, भारत की बात करें तो इसमें 101वां स्थान भारत को मिला है इस बार की नई रैंकिंग के अनुसार। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अच्छा, जो ये संस्करण हुआ था ना कतर में, ये 22वां संस्करण था और इसका अगला संस्करण 2026 में 3 देशों के द्वारा आयोजित किया जाएगा, तो USA, मैक्सिको और कनाडा के द्वारा। कब आयोजित किया जाएगा? 2026 में। संस्करण कौन सा होगा? तो 23वां, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जल्द ही किस राज्य में सुंदरजा आम तथा गजक मिठाई को GI टैग दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश के बारे में, सॉरी मध्य प्रदेश के ये दो प्रोडक्ट्स हैं, GI टैग दिया गया है। खास बात यह है कि GI टैग के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से ये एक तरह का टैग है, यानी पहचान है। ठीक है, GI का मतलब होता है ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये किसी भी प्रोडक्ट को ही GI टैग दिया जाता है, किसी संस्था को नहीं। याद रखें कि किसी भी प्रोडक्ट को GI टैग जब दे दिया जाता है तो उसका जो वैल्यू है वो स्थान विशेष में सीमित न रहकर पूरे विश्व में उसका एक तरह से वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, और एक बार जिस प्रोडक्ट को GI टैग दिया जाता है वो आगामी 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, फिर आगे के समय के लिए उसको रिन्यूअल करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बात बताई कि GI टैग किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से। एक बार GI टैग मिल गया तो वो कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? 10 वर्षों के लिए। ठीक है, GI टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन टैग। ठीक है, तो याद रखिएगा, इतनी बातें मैंने बताई। अच्छा, GI टैग का मतलब क्या होता है? तो किसी स्थान विशेष की छोटी किंतु चर्चित वस्तु को एक तरह से वर्ल्ड लेवल पर इसकी वैल्यू को विस्तार देना, GI टैग मिलना, यही कहलाता है एक तरह से। ठीक है, अच्छा, GI टैग का जो रजिस्ट्री कार्यालय है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। भारत में वर्ष 2004 में पहली बार बंगाल में एक दार्जिलिंग जगह है, यहीं चाय बहुत प्रसिद्ध है, इसी दार्जिलिंग की चाय को पहली बार GI टैग दिया गया था। ठीक है, तो इन बातों को याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन में बात हो रही है मध्य प्रदेश के GI टैग्स की, तो देखिए, जो सुंदरजा आम है मध्य प्रदेश में, एक रीवा एक जगह है। ठीक है, तो इसी रीवा से संबंधित है सुंदरजा आम। मध्य प्रदेश के अन्य आम के ब्रांडों में इसको मतलब राजा ब्रांड के नाम से जाना जाता है। वहीं मुरैना एक जगह है, वहाँ की गजक मिठाई को GI टैग दिया गया है, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश के ऑलरेडी पहले से कुछ प्राप्त GI टैग्स की बात कर लेते हैं, तो देखिए, जो बालाघाट का जो चिन्नौर चावल है वो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध GI टैग है। कड़कनाथ मुर्गा, चंदेरी साड़ी, ये सभी मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख GI टैग जो हैं, जो पहले से ही मध्य प्रदेश के द्वारा प्राप्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी हम लोगों की चर्चा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी लोगों का सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि हम सभी फैमिली मेम्बर्स का साझा प्रयास होगा तभी हम लोगों का ये जो परिवार है वो अपने शीर्ष और चरम पर पहुँचेगा। आपकी सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, ताकि अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँचती रहे। जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये इसके ऑप्शंस हैं। वीडियो में यदि आप सीरियसली लास्ट तक बने थे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में प्रोवाइड किया गया है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर को विस्तार से लिखिएगा और बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, इस बात का फीडबैक जरूर आप मेंशन करें। वीडियो में यदि कोई कमी हो, कोई भूल हो, कोई सुधार की आवश्यकता हो तो आप उसको प्रमुखता से कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, मैं उसको जरूर मॉडिफाई करूंगा। बाकी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।